पास के हवाले से कुछ अहम अपडेट थी जो आपसे शेयर करनी थी। सबसे पहली अपडेट तो ये है, जो भी मलेशिया में बीमार हैं या माजूर हो गए हैं किसी वजह से, वो आउट पास लगवाना चाहते हैं तो वो अपनी एम्बेसी जाके अपना इमरजेंसी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। दूसरा ये है, दूसरी अहम अपडेट ये है कि पहांग के बाद सिमलन का भी ऑफिस चेंज हो चुका है। उसकी आपको लोकेशन ऊपर नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर किसी को इसकी मैप लोकेशन चाहिए हो तो वो भी मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगा, ठीक है। और तीसरी एम और बड़ी अपडेट ये है कि जोहर के बाद अब पहांग में भी अपॉइंटमेंट मिलना बंद हो चुकी हैं। जोहर में तो ये था कि वहाँ ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ इस वजह से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, लेकिन पहांग में अपॉइंटमेंट पर भी बहुत पड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने बंद कर दी हैं। ये अभी इसका कोई कंफर्म अपडेट नहीं है कि किस वजह से उन्होंने बंद की हैं। जैसे ही मेरे पास इस चीज़ की कंफर्म अपडेट आती है तो मैं आपको इसके मुताबिक कंफर्म कर दूंगा। बाकी जिन भाइयों ने टिकट ले लिए हैं तो, और वो अपने वतन वापसी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर आपको अपने स्टेट में नहीं भी अपॉइंटमेंट मिल रही तो आप किसी दूसरे स्टेट में कोशिश करें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी इसके मुताबिक जो अपॉइंटमेंट बंद हुई हैं इसके मुताबिक जैसे ही मेरे पास अपडेट आती है तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।